है सभी कार्यक्रम का प्रारंभ श्री माँ के ध्यान संगीत से करते हैं। माँ के ध्यान संगीत से हम सभी साधना रत होते हैं, उनकी अनुकंपा को, उनकी ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को, उनके वरद हस्त को इस संगीत के माध्यम से हम अनुभव करते हैं। तो हम कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान माँ को प्रणाम। श्री अरविंद इन्हीं का माइक ऑन है, श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी केंद्र एवं आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी के संयुक्त तत्वधान में सावित्री महाकाव्य पर आयोजित वार्ता संख्या 8 शीर्षक सत्यवान सावित्री संवाद आध्यात्मिक मंतव्य भाग 2 में मैं वंदना चंदानी आज के प्रमुख वक्ता आध्यात्मिक चेतना के संवाहक परम श्रद्धेय डॉक्टर जेपी सिंह सर का, कार्यक्रम के संयोजक परम सम्माननीय डॉक्टर अखिलेश सर जी का एवं ब्रिजबाला मैडम जी का, यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जन सहृदय श्रोतागण परिवार के सारे साधक सभी का, छात्र एवं छात्राओं सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के मुख्य वक्ता आध्यात्मिक चेतना के संवाहक डॉक्टर जेपी सिंह सर, जो कि एक हृदय रोग चिकित्सक हैं और श्री अरविंद सोसाइटी पुडुचेरी के कोर सदस्य हैं, जो कि एक समाज सेवी है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जिनको सुनने का अवसर हम सभी को विगत कुछ महीनों से प्राप्त हो रहा है। ये जो गूढ़ महाकाव्य है, जो महासागर है ज्ञान का, महाकाव्य सावित्री, ये अपने सरस अंदाज में इसको कितना सुगम बना देते हैं और हमारे आत्मचिंतन के योग बना देते हैं। नहीं तो ये एक तरह से इसको समझना या इसको समझने का प्रयत्न करना अपने में बहुत ही चैलेंजिंग है, कठिन है, पर सर का जो अंदाज होता है, सबसे तो सुंदर, कितना सुंदर एक शीर्षक देते हैं हर बार, एक एक कोई विषय उठाते हैं, फिर उस पर वो बात करते हैं, तो जिससे इसका आत्मचिंतन करना बहुत आसान हो जाता है। सर, मैं आपका इस श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आज की वार्ता के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, कार्यक्रम की संचालिका
हमारी परम सम्मानीय डॉक्टर वंदना बालचंदानी जी, हमारा पूरा वाराणसी केंद्र का सारा परिवार, आर्य महिला पीजी कॉलेज का पूरा परिवार एवं जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम, उनका सबका अभिवादन, वंदन, स्वागत। आगे आने वाले कुछ दिन में 18 तारीख को होली है। होली के जस्ट पूर्व यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हम लोग में मेजॉरिटी होली में तो मिलेंगे नहीं भौतिक रूप से, लेकिन इस ऑनलाइन वार्ता में होली की मंगल कामनाएं और एडवांस में बधाई। थैंक यू सर। यह है कार्यक्रम जो संपादित हो रहा है, ये 15 अगस्त 2021 से हमारे वाराणसी केंद्र द्वारा संचालित हो रहा है और अभी तक अनवरत हर 15 महीने की 15 तारीख को 6 से 7 बजे कार्यक्रम हो रहा है, अभी निर्विघ्न रूप से चल रहा है और हमारे वाराणसी केंद्र वाले इतने मनोयोग से इसको आयोजित करते हैं और उनके इस मनोयोग का परिणाम है कि अभी तक ये बिना किसी बाधा के हर कार्यक्रम सफल होता चला जा रहा है। इसके लिए हम वाराणसी केंद्र के यथार्थ में कितनी प्रशंसा करें वो कम ही होगा। आज का विषय जो है सत्यवान और सावित्री संवाद भाग दो, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना आवश्यक है क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता नए भी हों तो उनको स्मरण होना ये आवश्यक है विषय को ठीक से समझने के लिए। आप जानते हैं कि सावित्री एक ऐसा महाकाव्य है जो दुनिया का श्रेष्ठतम महाकाव्य इंग्लिश का कहा जाता है और 7 से 24 पृष्ठों में लगभग 24,000 पंक्तियों में श्री अरविंद ने लगभग 40 से 50 वर्षों में अपनी साधना की जो अनुभूतियाँ थी, उच्चतर से उच्चतम अनुभूतियों, उनके द्वारा इसका एक लिपिबद्ध किया है और यह अनुभूतियाँ श्री अरविंद और श्री माँ दोनों की थी और इसको सातवां वेद भी कहते हैं। यह एक आख्यान है और प्रतीक है। इस संवाद में हम लोगों ने देखा कि सत्यवान और सावित्री का संवाद मुख्य रूप से 3 स्थलों पर है। पहला, सावित्री जब अपने वर का वरण करने जाती है तो एक अनिश्चितता की स्थिति में जाती है कि वर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन चूंकि वो खुद भी डिवाइन ग्रेस की एक इनकारनेशन है तो होना ही था, लेकिन सामान्य जन के बौद्धिक स्तर पे ये जब विवेचना की जाती है तो यही कहा जाता है एक अनिश्चितता के दौर से गुजरती हुई अंत में शालवा बॉय सत्यवान से उसकी मुलाकात होती है और विवाह के पहले जो संवाद होता है वो संवाद हम लोगों ने पिछली वार्ता में देखा और उस संवाद में शुरुआत करने वाला सत्यवान ही था। सत्यवान अपने में सत्य को छिपाए हुए है और अज्ञान की पकड़ में आ गया है, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व वाला एक नवयुवक है सत्यवान, जिसके पिता का नाम धुमसेन है। आगे दूसरा जो संवाद आता है उनके विवाह के बाद, जब सावित्री अपने घर जाती है वहाँ पे नारद द्वारा ये पता चलता है कि उसका दाम्पत्य जीवन केवल 1 साल का है तो वो प्रेरित की जाती है कि अपने निर्णय को बदल करके दूसरे वर का चुनाव कर ले, लेकिन उसने कहा कि जो हमने निर्णय किया वो भगवान के रिकॉर्ड बुक में अंकित हो गया है, वो चेंज नहीं हो सकता और अगर मृत्यु आती है तो मैं जानती हूँ कि मृत्यु का सामना कैसे किया जाता है, क्योंकि वो साक्षात देवी ही थी, डिवाइन मदर ही थी, उनके इनकारनेशन थी। तो उसके बाद वो इस निश्चितता के साथ जाती है
अपने पति के यहाँ कि हमें एक साल बाद इस कैटास्ट्रॉफी को फेस करना है, और उस कैटास्ट्रॉफी को फेस करने के लिए, जो कि उसका भाग्य है, वो फेट है, लेकिन उस कैटास्ट्रॉफी को कैसे फेस किया जाएगा, उसके लिए बुक 7 में 7 कैंटोन्स है, जिसको बुक ऑफ योगा कहते हैं, उसमें अपने को प्रिपेयर किया, जिसमें उच्चतर शक्ति ने उसको निर्देश किया, और उसमें एक ऐसी साधना उसकी होती है कि उस कैटास्ट्रॉफी को, यानी कि सत्यवान की मृत्यु को, कैसे चैलेंज को फेस किया जाए, उसके लिए अपने को एक अपना पुरुषार्थ तैयार करती है। ये हम लोग थोड़ा देख भी चुके हैं। अब इसके बाद परिस्थिति आती है कि सत्यवान की डेथ होती है, लेकिन डेथ के पहले थोड़ा सा सत्यवान और सावित्री में, उसमें भी मुख्य रूप से जो वार्ताकार है या संवाद जो है वो सत्यवान ही है। सत्यवान अपनी व्यथा को बताता है और वो प्रयास भी करती है, लेकिन सत्यवान का शरीर छूटता है, और फिर उसके बाद का जो संवाद चलता है मृत्यु के देवता और सावित्री में चलता है, वो आज का विषय नहीं है। लेकिन वो भी संवाद चलते 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 मृत्यु ने बहुत ज़्यादा प्रलोभन सावित्री को दिया, और उस प्रलोभन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे वरदान भी उसको दिए। वो वरदान को उन्होंने इस तरह स्वीकार किया कि आप दे सकते हो तो देओ, और नहीं दे सकते हो तो मुझे इसकी कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन अपना कार्य करने के लिए मृत्यु के देवता ने उनको वरदान भी दिए। लेकिन सावित्री का एक ही जो मंतव्य था वो था कि आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन सत्यवान के जीवन से कम पे कोई समझौता नहीं। अंत में मृत्यु के देवता को मजबूर होना पड़ा, और मृत्यु के देवता भी ट्रांसफॉर्म हो गए, और सावित्री भी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के, जो उसका भौतिक एक व्यक्तित्व था, वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया, और वो मृत्यु के देवता सावित्री को एडोर करते हैं। वो समझते हैं कि कोई महिला नहीं, साक्षात देवी है, शक्ति है, डिवाइन पावर है। इसके बाद अंत में सत्यवान जीवित होता है, लेकिन जीवित होने के बाद भी सावित्री की एक बड़ी ज़बरदस्त परीक्षा होती है। एक उच्चतर शक्ति है, वो भी दैवी शक्ति ही थी, और इनको भी तमाम प्रलोभन दिया गया कि आप क्यों सत्यवान के साथ रहना चाहती हैं, अरे आप भी स्वर्गिक जीवन व्यतीत करिए। तो उन्होंने कहा, सावित्री ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। हमारा और सत्यवान का जो जीवन हुआ है, ये पार्थिव जगत में एक दिव्य जीवन का स्थापना करने के लिए हुआ है, जो अकेले नहीं हो सकता। अंत में उस शक्ति ने भी सावित्री का लोहा माना, या कहिए कि एक्सेप्ट किया कि आपके मुखारविंद से मैं ही बोल रही थी। तो सावित्री उस समय अब इस स्थिति में आ गई कि ऐसा बीते बीते इस सावित्री के आखिरी बुक 12, जिसको हम एपिलॉग या उपसंहार कहते हैं, रिटर्न टू अर्थ, यहाँ पे आता है। जब यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे इस पृष्ठभूमि के साथ हम लोग अब यहाँ पे आज के विषय पे आते हैं, सत्यवान और सावित्री का संवाद। कि अब सत्यवान अपने भौतिक शरीर में आ चुका है, और सत्यवान, सावित्री और मृत्यु के देवता की जो यात्रा थी, एक सूक्ष्म जगत की यात्रा थी, उसको बाह्य रूप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब सत्यवान जीवित होता है तो भी एक तरह से तन्हाई की अवस्था में रहता है। सावित्री भी जंगल में ये घटना घटित होती है, तो उस समय श्री अरविंद बहुत प्राकृतिक रूप से इसका वर्णन करते हैं कि सावित्री वहाँ थी, उसके ऊपर पौधे थे, पेड़ थे और पत्तियाँ थी, उनके डालों पे चिड़िया थी, सब चहचहा रही थी, क्योंकि अब सावित्री ट्रांस में नहीं है, ट्रांस से जग गई है, समाधि से जग गई है, और ये दृश्य वहाँ उत्पन्न होता है। अब इसके बाद सावित्री सत्यवान को शरीर को थोड़ा सा स्पर्श करती है,
स्पर्श करने के बाद उसकी आंखें थोड़ा सा खोलती है, तो सत्यवान, जरा कल्पना करिए, सत्यवान इतने ट्रांस के बाद, इतने एक ड्रीम की अवस्था के बाद कि किस किस लोक में था, वो जब जगता है तो सावित्री को देखता है, सावित्री सत्यवान को देखती है। और उस समय सत्यवान ने सावित्री को देखा, उसके पहले सावित्री ने अपने में महसूस किया उसमें एक बड़ा मिरेकुलस, बहुत व्यापक चेंज आ चुका है, बहुत परिवर्तन आ चुका है। हम यहाँ पे स्मरण करा दें कि सावित्री बुक ऑफ योगा में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जब अपने को एक चैलेंज के लिए तैयार करती थी तो उस समय भी डिवाइन पावर ने उसकी मदद करके उसमें बहुत सारे चेंजेस ला दिए थे। फिर इसके बाद जब वो मृत्यु के देवता से सामना करने की स्थिति में जा रही थी, उस समय भी उसमें चेंज आया था। और तीसरा चेंज, जब वो मृत्यु और सत्यवान के साथ एक ऐसे लोकों में जा रही थी जो वीर्ड लोक थे, अदर लोक थे, उसके बाद जब लौटती है तो भी उसमें चेंज आए, आंतरिक और भौतिक दोनों चेंज आए। तो सावित्री रियलाइज करती है कि उसमें एक बड़ा जबरदस्त चेंज आया है। और वो चेंज को सावित्री किस तरह से डिस्क्राइब श्री अरविंद करते हैं कि अब इसके बाद वो कहते हैं, पावर ड्वेल्ट इन हर सोल टू ग्रेट फॉर अर्थ, ए ब्लिस लिव्ड इन हर हार्ट टू लार्ज फॉर हेवन, लाइट टू इंटेंस फॉर थॉट एंड लव टू बाउंडलेस। देखिए तीन चीजें के, पावर, ब्लिस और लाइट, उनमें एक असीम शक्ति आ गई क्योंकि वो अपने को भौतिक शरीर से उसका तादात अब नहीं है, उसका तादात इन्फिनिट से है, अनंतता से है, शाश्वत से है, तो उसमें इन्फिनिट पावर होती है। ब्लिस, उसके दिल में इतना बड़ा एक आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था जो एक पार्थिव जगत के व्यक्ति के लिए थोड़ा सा एहसास करना भी मुश्किल था, वो इस स्तर पर पहुँच चुकी है। और तीसरी चीज, उसके अंदर ऐसा प्रकाश था, एक ऐसा प्रेम था, ऐसा वैचारिक प्रेम था कि वो बाउंडलेस था। तो ये चेंज उसके अंदर, सावित्री के अंदर आए, और वो चेंज जो आया एक पार्थिव जगत के सामान्य मनुष्य के लिए एहसास करना भी मुश्किल था। अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो सत्यवान ने सावित्री को देखा और सावित्री को कहा कि सावित्री, व्हाट ए मिरेकुलस चेंज इन यू। अब कहते हैं कि आप तो देवी पहले भी थी लेकिन अब तो उस देवी तत्व में एक महानता की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी कि बहुत सारा परिवर्तन आप में हो गया। और सत्यवान सावित्री से कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हम दो चार लाइनें पढ़ते हैं फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट हाई चेंज इज इन दी ओ सावित्री ब्राइट, एवर दाउ वास्ट ए गॉडेस स्टिल एंड प्योर, येट डियर टू मी बाय दाय स्वीट ह्यूमन पार्ट अर्थ गेव दी मेकिंग दी येट मोर डिवाइन, माई ड्यूरेशन मास्टर्ड माई डिजायर बेंट down to make its subject my daring clasped raptures possession love's sweet property a statue of silence in my temple desperate or earning godhead and golden bright but now thou seemest almost too high and great for mortal worship time lies below thy feet and whole world seems only a part of thee। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि सावित्री में जो चेंज आया है उसको सत्यवान रिकग्नाइज कर रहा है, लेकिन ये जो रिकग्निशन है उसकी, वो ऐसा लगता है कि बड़ा आश्चर्यजनक है। आप सब गीता पढ़ते हैं, गीता में अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग है। अर्जुन भगवान से कहते हैं आप अपने विश्वरूप को जरा हमें दिखाइए, तो वो विश्व रूप में बहुत सारे चेंजेस क्या है, जो वास्तविकता है, जो सामान्य मनुष्य जब तक उसको ज्ञान चक्षु न प्राप्त हो जाए तब तक वो देख नहीं सकता,
वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता। तो उस समय देखने के बाद वो बड़े ताजुब तो लगता था उसको, लेकिन उसको भय भी लग रहा था कि जो आप मेरे सखा थे, जिनसे हम हाथ मिला करके चलते थे, वो इस तरह के हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये कल्पना भी अकल्पनीय है, लेकिन उनमें भय भी हुआ कि आप जो है आप पुराने वाले स्वरूप में आ जाइए। भगवान पुराने स्वरूप में आते हैं, जो अर्जुन का भय था, अप्रिहेंशन था, वो ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, वो भी अपने जो मिरेकुलस चेंजेस को सत्यवान अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ भयभीत नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आप में ये चेंजेस हैं, ये कैसे एक सामान्य मानव कैसे अप्रिशिएट करेगा, सामान्य मानव कैसे इस ऊंचाई पे आपको पहचान सकेगा, ये इसका एक अप्रिहेंशन था। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। तो आगे वो कहते हैं, सत्यवान कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो आनंद है, ये तो लगता खो जाएगा। जब आप इस स्वर्गिक आनंद इस स्वरूप में पहुंच गई, तो पृथ्वी तो हमारी छूट जाएगी। और जबकि इन दोनों का उद्देश्य था कि पार्थिव जीवन पर एक एक लाइफ डिवाइन, एक दिव्य जीवन की स्थापना करना, तो वहाँ पे अप्रिहेंशन उसको होता है। किसको? सत्यवान को, कि जब इतनी ऊंचाई हो गई तो फिर ये पृथ्वी का क्या होगा। तो कहते हैं कि मेक स्टिल माय लाइफ थ्रू दी इस सॉन्ग ऑफ जॉय, माय ह्यूमन अर्थ विल स्टिल डिमांड दाई ब्लिस। लेकिन पृथ्वी को छोड़ना नहीं है, पृथ्वी पर भी जॉय होना चाहिए। ये केवल स्वर्गिक 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 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके बाद जब वो कहती है, तब देखिए बड़ा मार्मिक दृश्य आता है। देखिए, एक भारतीय नारी की और पति और पत्नी के बारे में जो संबंध कहे गए हैं, कितना खूबसूरत है। इस पे ध्यान देने की बात है, देखने की बात है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो आनंद भी लेते होंगे। वो कहते हैं कि सत्यवान कहते हैं कि व्हेंस हैज दाउ ब्रॉट मी कैप्टिव बैक लव चेन टू दी एंड सनलाइट्स वॉल्स ओ गोल्डन बीम एंड कैस्केट ऑफ ऑल स्वीटनेस सावित्री गॉड हेड एंड वुमन मून लाइट ऑफ माई सोल। अब देखिए, सत्यवान जो है सावित्री को कितने विशेषणों से नवाजते हैं, उससे संबोधित करते हैं। और इसके एक एक विशेषण का बड़ा एक आध्यात्मिक मंतव्य है। जैसे उन्होंने कहा कि आप जो है एक गोल्डन बीम है, कैस्केट ऑफ ऑल स्वीटनेस, सारी मृदुता की एक एक कैस्केट, एक बॉक्स है। और वो कहते हैं कि गॉड हेड तो है ही, वुमन है, लेकिन आगे कहते हैं मून लाइट ऑफ माई सोल। अब आप लोग, बहुत सारे लोग साहित्य के लोग हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, जो सब चीज़ों को जानते हैं। जब चंद्रमा, इसमें कहा कि मून लाइट ऑफ माय सोल, तो चंद्रमा की एनालॉजी जो दी जाती है, चंद्रमा एक सौंदर्य का प्रतीक है। कभी लोग जब किसी महिला के सौंदर्य का वर्णन करते तो उसमें चंद्रमुखी कहते हैं, सूर्यमुखी नहीं कहते, चंद्रमुखी कहते हैं। तो मून लाइट ऑफ माय सोल, नंबर एक सौंदर्य का वर्णन कर दिया। दूसरा, चंद्रमा जो है शांति और शीतलता का प्रतीक है, यानी कि सावित्री में ये गुण उन्होंने देखे या इस विशेषण से उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा आप देखें, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो प्रकाश जो है सूरज से आता है। यानी कि अपनी विनम्रता वो इस तरह से पेश करते हैं कि जो कुछ मैं हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सनलाइट से ही आता है। ये चीज़ सावित्री को सत्यवान ने बताया, इन विशेषणों से संबोधित किया। और ये सत्य भी है, क्योंकि साक्षात देवी ही है वो, इसमें कोई वो गलत तो नहीं कहा। लेकिन श्री अरविंद का एक पोएटिक एक्सप्रेशन इतना खूबसूरत है कि इसको जो लोग साहित्य वाले हैं वो आनंद लेते ही हैं, एंजॉय भी करते हैं। साथ में गंभीरता से समझने वाले लोग उस गंभीर से इसको समझते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जब इतना हो गया और सत्यवान ने ये कह दिया कि हमारी पृथ्वी का क्या होगा,
तब इसके बाद वो सावित्री की विनम्रता और उसकी शालीनता अभिव्यक्त होती है, जो हम कुछ लाइनें पढ़ देते हैं, इसके बाद फिर उसको बताएंगे। आगे कहते हैं कि ए हेवेनली क्वीन कंसेंटिंग टू हिज विल, जब उन्होंने कहा कि पार्थिव जगत के आनंद का क्या होगा, तो हेवेनली क्वीन, अब सावित्री जो है ये स्वर्ग से लौटी है, एक वैसे भी शी टुक हर मॉर्टल बर्थ, ये दूसरे लोक की है, लेकिन पार्थिव जगत पे जो ये मरण धर्म है, जगत है, उसमें आई है। तो कहते हैं कि शी कंसेंटिंग टू हिज विल, सत्यवान की विल, शी क्लैस्ड हिज फीट बाय हर एनश्राइनिंग हेयर इनवेलप्ड इन ए वेलवेट क्लोक ऑफ लव एंड आंसर्ड सॉफ्टली लाइक ए मर्मरिंग ल्यूट। क्या बढ़िया शब्दावली है, देखिए क्या कहती है कि सावित्री में इनॉर्मस पावर है, इनॉर्मस लव है, इनॉर्मस आनंद का सागर है वो, लेकिन कहती क्या है कि वो झुकती है और सत्यवान के चरण को स्पर्श करती है बालों से, हाथ से भी किया होगा लेकिन बाल भी बड़े होंगे, वो उसके चरण पर पड़ते हैं। लेकिन ये कोई मैकेनिकल नहीं है कि चलिए ये औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, नहीं, वो कहती है कि दोज आर सोक्ड विद लव, यानी कि उसके चारों तरफ एक लव भरा हुआ था, एक प्रेम भरा हुआ था, ऐसे बालों से वो उनके चरण को स्पर्श करती है। और फिर किस तरह से बोलती है वो, सॉफ्टली लाइक ए मर्मरिंग ल्यूट, एक सारंगी के जो मर्मरिंग होती है, मृदु जो ध्वनि होती है, उस तरह से सावित्री बोलती है। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि इतने हाई स्टेचर वाली और अपने पति के सामने जिसको कैप्टिव किए हुए, एक तरह से बंधक बनाए हुए है, क्योंकि पहले वो कह चुका था कि हम लोग ऐसे लोक में जा रहे थे जहाँ पे मैंने आपको एक ऐसी स्पिरिट को परसू करते हुए देखा, और कंपेनियन भी थी, साथ भी थी, साथ जो है अगल बगल भी चलते हैं, लेकिन परसू करना और साथ में रहना दोनों दो चीज़ें हो गई, वो जो है सत्यवान सावित्री को कह चुके हैं। लेकिन सावित्री इतनी हम्बल है कि अपने पति के लिए ये कहती है कि कैसी मर्मरिंग है, जैसे सारंगी का धीमा धीमा वादन होता है, उसकी आवाज़ निकलती है। अब वो कहती हैं, थोड़ा हम दो चार लाइनें पढ़ते हैं, All now is changed, yet all is still the same. Lo, we have looked upon the face of God. Our life has opened with divinity. We have borne identity with Supreme and known His meaning in our mortal lives. Our love has grown greater by that mighty touch and learned its heavenly significance. Yet nothing is lost of mortal love's delight. Heaven's touch fulfills, but cancels not our earth. Our bodies need each other in the same last. अब देखिए वो कहते हैं कि हम लोग एक सुप्रीम के स्पर्श में थे दोनों, लेकिन फिर भी हमारी जो है ये पार्थिव जगत का जो प्रेम है, पार्थिव जगत के प्रति जो दायित्व है, वो छूटा नहीं है, बल्कि जब हेवेनली वाला हेवन वाला व्यक्ति जब पार्थिव जगत पे होता है, तो वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा योद्धा होता है, ज़्यादा सशक्त होता है। वो हमारी आपकी स्थिति हो गई कि उस हेवेनली वातावरण से आकर के पार्थिव जगत को जो इसकी ब्लिस है, उसको भी हमें एंजॉय करना है, वो छूटा नहीं है। फिर आगे कहते हैं, सावित्री कहते हैं कि स्टिल आई Am I she who came to thee mid the murmur of sunlit leaves upon this forest verge? I am the Madran, I am Savitri, all that I was before, I am to thee still. अब उसके apprehension को ये दूर करती है, जैसे एक teacher होता है, खूबसूरती से बच्चे जो नहीं समझते हैं उसको बड़े प्रेम से उनके apprehension को ख़त्म करता है। ठीक इसी तरह से जब
उनके एक बृहत रूप को, एक व्यापक रूप को जब सत्यवान ने देखा था, तो सावित्री ने इतना हम्बल होकर के कहा कि मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो पहले थी, कितना भी चेंज आए लेकिन मैं वही हूँ, और पृथ्वी हमारी वही है, सब चेंज इसमें ज़रूर दिखाई पड़ रहा है लेकिन हम आप वही हैं, इसलिए हमें अब अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। वो कहते हैं कि क्लोज ऑल दैट आई वॉज बिफोर आई एम टू दी स्टिल क्लोज कॉमरेड ऑफ दाई थॉट्स एंड होप्स एंड टॉयल्स ऑल हैप्पी कॉन्ट्रेरीज आई वुड ज्वाइन फॉर दी ऑल स्वीट रिलेशंस मैरी इन आवर लाइफ आई एम दाई किंगडम इवन एज दाउ आर्ट माइन द सॉवरेन एंड द स्लेव ऑफ दाई डिजायर। अब यहाँ पे कहते हैं सत्यवान से, सावित्री कहती हैं कि देखो हम और आप दोनों का किंगडम राज एक ही होगा, जो हम आपके लिए हैं आप मेरे लिए हैं। देखिए ये चीज़ें आगे बताएंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ कहते हैं कि एक पूरा तादाद में दोनों में हो रहा है, कि जैसे कहते हैं मेरी सांसों में तेरी खुशबू है, इस तरह के जैसे फ्लावर के जो सुगंध होती है वो फ्लावर से दूर नहीं हो सकती, देखने में भले फ्लावर फ्लावर लगे लेकिन उसकी सुगंध जो है उस फ्लावर से कोई अलग नहीं होती। तो ये तादात्म होता, तादात्म का ये परफेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन का परफेक्शन है। तो कहते हैं दाई प्रोन पजिस्टर सिस्टर ऑफ दाई सोल एंड मदर ऑफ दाई वांट्स द वाट माई वर्ड द अर्थ आई नीड द हेवन माई थॉट्स डिजायर द वर्ल्ड आई इनहेबिट एंड द गॉड आई एडोर Thy body is my body's counterpart। अब देखिए यहाँ पे सावित्री एक एक महिला तो है, एक पत्नी है, और श्री अरविंद ने एक महिला रूपी पत्नी के गुणों को एक भारतीय संस्कृत के नज़रिए से कैसे अभिव्यक्त करते हैं कि सावित्री सत्यवान से कहते हैं The mother sister of thy soul, यानी कि सत्यवान को, वो सत्यवान अपने को सत्यवान की सिस्टर कह रही है कि आपकी कंपेनियन और सिस्टर है। दूसरी चीज mother of thy wants, देखिए कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, ये सत्यवान के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए ये चीजें कह रही है। मदर ऑफ दाई वांट्स, एक बच्चे के लिए जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो मदर से ज़्यादा कौन पूरा कर सकता है, और बच्चे का कॉन्फिडेंस मदर से जितना होता है शायद दूसरे में नहीं होता, एक स्टेज तक। जैसे कहते हैं 5 वर्षों तक बच्चा जो होता है उसको कहते हैं कि पंचवर्षाणी लालयेत, उसका लालन पालन करना चाहिए 5 वर्षों तक, 10 वर्षाणी ताड़े तो उसको एजुकेट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो मदर ऑफ दाई वांट्स कि जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उसको हम एक मातृवत मैं पूरा करने वाली हूँ, और वो कहती हैं कि अर्थ की हमें ज़रूरत है लेकिन हमारे विचार इतने होने चाहिए जो हेवन वर्ल्ड होने चाहिए। पार्थिव जगत हमारा एक आवास है लेकिन विचार बड़े ऊँचे होने चाहिए, और कहते हैं कि संसार में हम रहते हैं लेकिन हम एडोरेशन किसकी करेंगे, उसकी करेंगे जिसका ये संसार है। अब ध्यान दें कि ये जगत जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, हम इस जगत में रहते हैं, इस टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें है बात को भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कहा, और आगे कहते हैं कि आवर वेडेड वॉक थ्रू लाइफ बिगिंस इन न्यू आई एम एंड दाउ टू मी सत्यवान ओ सत्यवान आवर वेडेड वॉक थ्रू लाइफ बिगिंस इन न्यू नो ग्लैडनेस लास्ट नो डेथ ऑफ मॉर्टल जॉय लेट अस गो थ्रू दिस न्यू वर्ल्ड दैट इज द सेम फॉर इट इज गिवन बैक बट इट इज नोन ए प्लेइंग ग्राउंड and dwelling house of God who hides himself in bird and beast and man
sweetly to find himself again by love, by oneness. His presence leads the rhythms of life that seek for mutual joy in spite of pain. आप कहते हैं कि अब ये जगत जो है यहाँ पे हमें रहना है और इस जगत को भगवान का एक प्लेग्राउंड मानना है और इस प्लेग्राउंड में जितने लोग हैं, जितने वस्तुएं हैं, उन सब में उस दिव्यता या भगवत्ता को देखना है। यही तो लाइफ डिवाइन है कि पूरा जगत जो है भगवान का प्लेग्राउंड है, जिसके कण कण में वो भगवान विद्यमान है। तो कहते हैं चाहे वो बर्ड हो, चाहे बीस्ट हो, चाहे मैन हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, सब में हमें उसको प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त करना है? अगेन बाय लव, क्योंकि इनके द्वारा वही तो अभिव्यक्त हो रहा है। तो अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको क्षत विक्षिप्त करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि हम आत्मा की अभिव्यक्त को क्षत विक्षिप्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ सावित्री सत्यवान से कहती है। और कैसे? कि बाय लव एंड बाय वननेस, हिज प्रेजेंस लीड्स टू द रिदम्स ऑफ लाइफ दैट सीक फॉर म्यूचुअल जॉय इन स्पाइट ऑफ पेन। वी हैव ईच अदर फाउंड ओ सत्यवान इन द ग्रेट लाइट ऑफ द डिस्कवर्ड सोल। अब आगे कहते हैं कि लो ऑल दीज बिग बींग्स इन दिस वंडरफुल वर्ल्ड लेट अस गिव जॉय टू ऑल फॉर जॉय इज आवर्स। अब हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है इस पार्थिव जगत में? कि हमारे पास जॉय है और ये जॉय सबको बांटना चाहिए। कहते हैं सावित्री मान्यत्र, आपने पढ़ा होगा इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि जॉय हमारा है, लेकिन इस जॉय को पूरे जगत में वितरित करना है, ये हमारा एक कर्तव्य है। और कहते हैं कि लेट अस गिव जॉय टू ऑल फॉर जॉय इज आवर्स। जब हमारे पास जॉय रहेगा, तभी जो चीज़ हमारे पास रहेगी उसी को हम वितरित कर सकते हैं, उसी को हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सत्यवान सावित्री जो है सत्यवान से कहते हैं, आगे कहते हैं कि टू फायर्स दैट बर्न टूवर्ड्स द पेरेंट सन, टू रेज दैट ट्रेवल टू द ओरिजिनल लाइट, टू लीड मैन सोल टूवर्ड्स ट्रुथ एंड गॉड, वी आर बॉर्न टू ड्रॉ द चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ इन टू सम सेम्बलेंस ऑफ ए मॉर्टल मैन पैन प्लान, टू शेप इट क्लोजर टू एन इमेज ऑफ गॉड, ए लिटिल नियरर टू द आइडिया डिवाइन। अब ये कहते हैं कि हमारा और आपका उद्देश्य ही है कि पूरे पार्थिव जगत को डिवाइनिटी की तरफ ले जाए, उस ईश्वरत की तरफ, उस भगवत्ता की तरफ ले जाए। ये हमारा आपका उद्देश्य है। इसीलिए जितनी बार इनको एल्योरमेंट मिला सावित्री को, चाहे मृत्यु के देवता से मिला, चाहे मृत्यु पर विजय के बाद मिला, ये दोनों चीज़ों में उसने कहा कि ये अकेला लाइफ हमारी फ्यूटाइल है। ये हम दोनों इस पार्थिव जगत में एक दिव्य जीवन को स्थापित करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं सत्यवान को छोड़ करके नहीं जा सकती और न स्वर्गिक राज्य में प्रवेश करना चाहती हूँ, बल्कि स्वर्ग के राज्य को पार्थिव जगत पे उतारना चाहती हूँ। ये जो है सावित्री अन्य शक्तियों से कहा, और ये सत्यवान के साथ भी एक तरह से वचनबद्ध होती है। अब ये चीज़ें हो गई कि इतना सब हो गया कि सावित्री और सत्यवान में इतना संवाद हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि ऐसा होते होते दोपहर से शाम ढलती है, शाम ढलती है और एक गोधूली का समय आता है। क्योंकि अब जब सावित्री ध्यान रहे कि जब मृत्यु के देवता ने उसको वरदान दिया था कि सारा राज्य हो जाए, जो आपके पिता का जो अंधापन है वो सब दूर हो जाए, वो हो गया। लेकिन सावित्री और सत्यवान जो जंगल गए थे, पहले दिन साथ में गए थे, तो उनके माता पिता ये चीज़ सोच रहे थे कि इतनी देर क्यों हो रही है। लेकिन उनको ये प्राप्त हो गया, उनकी आँखें, सावित्री के पिता की आँखें, नहीं, सत्यवान के पिता की आंखें, दुमेसेन की आंखें आ गई, ज्योति आ गई, उसको राजपाट मिल गया। पुराने जो है शासक की तरह से उनमें सारा उत्साह
सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन अब उनके लिए प्रॉब्लम थी कि ये लोग आए नहीं। अब आए नहीं तो फिर हम लोग ढूंढने चले। अब ये जो है सावित्री और सत्यवान हाथ में अपना लिंक करते हुए चलते हैं, और इसके पहले ये वर्णन है कि सावित्री सत्यवान को क्लैस्प करती है, गले लगाती है, और एक तरह से एक जो ट्विन बॉडी थी वो एक तरह से सिंगल सोल के रूप में वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आती है कि जब ये लोग चल रहे थे घर पे की तरफ, सोचे घर ही चलें, तो इन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ें क्या थीं? कुछ मनुष्यों की आवाज़, कुछ जानवरों की आवाज़ इनको सुनाई पड़ी, क्योंकि इसके पहले जब ये जाते थे, गए थे जंगल में, तो उस समय तो शांति थी, या सत्यवान जब जंगल जाता था तो शांति रहती थी, वहाँ आदमी तो बहुत कम रहते थे, वहाँ शोर शराबा कुछ होता नहीं था, वहाँ सॉलिट्यूड रहता था। लेकिन अब जब ये पहुँच, मतलब इस तरह का जब उनका राजपाट मिल गया, तो उनको ढूंढने निकलते हैं। तो ढूंढते हुए जब थोड़ी दूर रहते हैं तो उस समय आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती, थोड़ा नज़दीक पहुँचते हैं तो कहते हैं कि दुमसेन जो थे वो एक शाही चाल से चलते हैं, घोड़े से चलते हैं, लेकिन बच्चों पे नज़र एज़ यूजुअल उनकी माँ, मतलब सावित्री की माँ, या जो उनको सास हैं सत्यवान की माँ, वो सबसे पहले उन बच्चों पे नज़र इनकी दुमसेन की पत्नी की पड़ती है, और वो नज़दीक आते हैं। जब नज़दीक आते हैं, उन्होंने सत्यवान को देखा तो नेचुरली एक खुशी होती है, लेकिन एक टेंडरली डांट जो है ये दुमसेन सत्यवान को सुनाते हैं। कुछ भगवान ने सब कुछ सुन ली, मेरी आंखें आ गई, ज्योति आ गई, राजपाट मिल गया, लेकिन ये किसके लिए? ये तो तुम्हारे बगैर एक ऑर्बिट ही है, केवल खोखला होता अगर तुम नहीं होते तो। और तुम इतनी देर क्यों कर दिया? क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था क्या हुआ। लेकिन वहां पे आने पे खुशी होती है, लेकिन थोड़ी डांट भी दी उनको। और कहता है सत्यवान, कहते हैं लेट ऑल टू हर, यानी कहा ये सावित्री की वजह से सब कुछ हुआ, सावित्री ही इसके लिए जिम्मेदार है। और वो जब सावित्री की तरफ मुखातिब होते हैं, कौन? दुमसेन, कि सावित्री तुम्हें तो मालूम है कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, सत्यवान के बगल में बैठ करके खाए बिना मुझको संतोष नहीं होता, यानी बगल में बैठाते रहे होंगे तो खाइए, भोजन करिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तकलीफ हुई होगी। तो सावित्री भी मुस्कराती है, सत्यवान भी मुस्कराते हैं, और वहाँ पे थोड़ी चर्चा होती है कि कैसे कैसे हुआ, हम अनंतता के द्वार से आए हैं, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि गोधूली के बाद अब शाम हो रही है, उस समय जो राजा के साथ थे उन लोगों ने सावित्री में बहुत बड़ा चेंज देखा, एक चेहरे पे एक लालिमा देखी। पहले उन लोगों ने सुनी थी कि देवी ओबी में लालिमा होती है या इस तरह से चमक होती है, तो कह लें कि फिर ये तो वही है, तो हमें और कोई ढूंढने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें से एक कोई वो था, लगता था कि जैसे कोई ऋषि रहा होगा या सेज रहा होगा या कुछ प्रीस्ट रहा होगा, उसने कहा, वो थोड़ा सा हम दो चार लाइनें पढ़ते हैं। देन वन स्पोक देयर हु सीम्ड ए प्रीस्ट एंड सेज, वो वुमन सोल व्हाट लाइट व्हाट पावर रिवील्ड वर्किंग द रैपिड मार्वल्स ऑफ दिस डे ओपन्स फॉर अस बाय दी अ हैप्पियर एज हर फ्लैशेस फ्लटरिंग अपवर्ड्स गेदर्ड इन टू ए विजन विच हैड स्कैंड इमॉर्टल थिंग्स रिजॉइसिंग ह्यूमन फॉर्म्स फॉर देयर डिलाइट
They claimed for their deep, childlike motherhood the life of all these souls to be her life. Then falling, veil the light, lo, she replied. अब वो कहता है कि कैसा चेंज है सावित्री, आप पहले थी, आज फर्क हुआ है। अब सावित्री अभी तक तमाम अपनी प्रशंसा को सुन रही थी। नेचुरली जब आदमी प्रशंसा सुनता है तो थोड़ा सा सर उसका, निगाहें थोड़ी नम होती है और झुकती है। सावित्री वही स्थिति में थी। लेकिन जब उसके साथ एक प्रश्न आया जो प्रीस्ट या सेज था, तब सावित्री थोड़ा आंखें उड़की, फ्लटर हुई, थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ आई। और सावित्री क्या जवाब देती है, यहाँ पे मैं कह करके पिछले एक पेज का चार लाइन पढ़ता हूँ। Awaken to the meaning of my heart, that to feel love and oneness is to live, and this, the magic of our golden change, is all the truth I know or seek, O sage. O sage, जब से मैंने दिल के मीनिंग को, अर्थ को समझा है, और वो है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव, कि प्रेम पूर्वक और एकात्म भाव से रहना ही वास्तविक जीवन है। जब से मैंने समझा है और इसी को जीवन में उतारना है, उतारा है, यही जो हमारे गोल्डन चेंज जो आप हम में देख रहे हैं, यही उसका कारण है, और यही वही सत्य है जो मैं जानती हूँ और जिसकी मैंने खोज की। हे ओ सेज, ये उन्होंने कहा। लव, टू फील लव एंड वननेस, यही जो मर्म है। और सावित्री में पेज 32 पे, जिनके पास सावित्री हो देख लें, शुरू के चार पांच लाइनें हैं उस पेज की, उसमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से कहा है। पेज 32 पर देखें जो लोग रखे होंगे। ये कहते हैं कि एंड लव इज ए यर्निंग ऑफ द वन फॉर द वन। देखिए वन इसमें कैपिटल से, दोनों वन, यानी कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के प्रति ही प्रेम करना, वही असली प्रेम है। एंड ब्यूटी इज ए स्वीट डिफरेंस ऑफ द सेम। जो भगवान की अभिव्यक्तियाँ होती हैं वो अलग अलग किस्म होती हैं, और उन अभिव्यक्तियों को जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको महसूस करना ही वास्तविक सौंदर्य है। फिर कहते हैं एंड ओननेस इज द सोल ऑफ मल्टीट्यूड। सोल सब एक ही है, लेकिन सोल किस सूत्र से बंधी होती है, उस एकात्म के सूत्र को पहचानना ही, रियलाइज करना ही, यही जो है, ये नानात्व के प्रति जो समझ है वो होती है। देयर ऑल द ट्रुथ्स यूनाइट इन ए सिंगल ट्रुथ एंड ऑल आइडियाज रिज्वाइन रियलिटी। अगर ये हम वन फॉर वन और ब्यूटी, उनके डिफरेंस को समझते हैं, तो रियल लव वही होता है। यही कहती है सावित्री, कहती है कि टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। अब ये हो गया। अब इसके बाद वहाँ पे रात हो रही है, गोधूली खत्म हुई, अब रात की तरफ। अब इसके बाद सब लोग अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, और आवाज़ें जो घोड़ों की, जो दूसरी तरफ जिसको साउथ वर्ड कहते हैं, उसकी तरफ वो लोग मुड़ते हैं। और मुड़ते मुड़ते फिर जो है आगे चल करके आखिरी लाइनें हैं कि अब रात हो जाती है। और रात ने क्या किया, शी ब्रूडेड थ्रू हर स्टिलनेस ऑन ए थॉट डीप गार्डेड बाय हर मिस्टिक फोल्ड्स ऑफ लाइट एंड इन हर बॉजम नर्स्ड ग्रेटर डॉन। अब देखिए सावित्री और सत्यवान, जैसे उनका मृत्यु पर विजय हुआ तो उसका कोई जलसा नहीं किया कि हम लोग जो है अब कुछ सेलिब्रेट करें, केक कटे और दिवाली मनाई जाए, ये नहीं। एक अगले जो डॉन है, एक अगला जो आध्यात्मिक जगत है वो कैसा होगा, इस पे विचार मंथन शुरू हो गया। यानी कि ये नहीं कहते ना कि अगर एक सफलता पर गाना रो पड़ना निच असफलता पर, सचमुच ये तो है रीत नीति नहीं, सच्चे खिलाड़ियों की सुंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी बचपन में पढ़ा था कि उसमें उछलना नहीं चाहिए। लेकिन सावित्री और सत्यवान एक विशेष बड़े पायस वर्क के लिए, एक डिवाइन वर्क के लिए इस पार्थिव जगत में आए हुए हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं
कि अब उनके हृदय में एक ग्रेटर डॉन नर्स हो रहा है, वो जो है उसकी अभिव्यक्ति की तैयारी चल रही है। ये लाइनें जो है इस सावित्री के इस एपिलॉग की रिटर्न टू अर्थ पे यही समापन होता है। यद्यपि मैंने दूसरे रूपों में इसको बहुत ही सरल तरीके से करने का किया, लेकिन जब कभी इस पे इसी पे ही चर्चा होगी तो फिर दूसरे रूप में चर्चा होगी। आप सब लोगों ने जैसे भी सुना बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की ग्रेस आप सबको बनी रहे और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप में से किसी को कोई क्योंकि हमारे साथ बहुत छात्र छात्राएं भी जुड़े हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। सर आज का जो विषय था वो बहुत ही सारगर्भित था, तो हो सकता है कि अभी बच्चों को आत्मसात करने में थोड़ा समय लगे, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। पर हम कुछ जो फीलिंग्स जो इन लाइन से आई, एक चीज तो बहुत ही अच्छी लगी कि जिनके अंदर जैसे आपने बताया जो जो लाइंस आपने पढ़ी कि कितनी उनके अंदर विशालता, सावित्री के अंदर सुंदरता, पर उसके संग विनम्रता भी, तो वो लाइन बहुत ही अच्छी लगी। क्योंकि कहते हैं कि जो पेड़ जितना ऊंचा जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीची होती हैं, तो वो बहुत ही सुंदर लगा। और जो फिर एक आपने बताया कि जब भगवान अपने पूरे भव्य रूप में हमारे सामने आते हैं तो हम उनको ग्रहण भी नहीं कर सकते, जैसे आपने जो गीता की बात बताई कि 11वें अध्याय की और फिर सावित्री से बताया, और वो लाइन तो जो लास्ट में बहुत अच्छी लगी कि हमेशा लव का इतना सुंदर डेफिनेशन जो दिया है, लव इज अ यर्निंग ऑफ द वन फॉर द वन। सो आत्मिक प्रेम ही, ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम है। बहुत ही अच्छा लगा। अगर किसी डॉक्टर बालचंदानी, मेरे ख्याल से हमें दूसरी बालचंदानी भी दिखाई पड़ रही हैं, उनका भी मेरा नमस्ते। बालचंदानी, हाँ नाम लिखा हुआ, नमस्ते। अभी प्रोग्राम जो है डॉक्टर बालचंदानी, ये प्रोग्राम जो है प्रदेश और भारत का नहीं है, इंटरनेशनल हो गया। डॉक्टर अपर्णा राय फ्रांस से जुड़ गई है। वाह मैडम, आपका स्वागत है। अपर्णा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं वो किए हैं, अनम्यूट करें तब उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। नहीं, श्री अरविंद ने बनारस को कहा है कि इसमें कुछ विशेष बात है, बनारस को स्पेसिफिकली नाम लिया है। खैर वो है भी, खुशी है कि मैं बनारस की हूँ। अरे नेचुरली भाई, बनारस की माँ की जन्मभूमि में इस समय आप हैं। ये देखिए ये कितनी खूबसूरती है। तो मैं ये कह रहा था कि असल में थोड़ा थोड़ा अभी मेरा जो उद्देश्य है कि सावित्री के प्रति लोगों की पढ़ने की एक जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित हो। सावित्री इतना बड़ा महाकाव्य है कि अगले समय की गीता जैसी ये होगी, लेकिन उसमें हम लोगों का दायित्व तो भी होता है कि किसी तरह से। और इधर कोरोना के दौरान इस सावित्री का आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा व्यापकता हुई है, लोगों की पढ़ने में रुचि हुई है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोग अधिक से अधिक पढ़े, बेमन से पढ़ें। हम लोग कोई समझते थोड़े हैं, वो तो समझाना होगा तो माँ समझा देगी, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास अपने हाथ में है। नहीं नहीं, फिर भी मैं माफ कीजिए बीच में आ रही हूँ, आप लोग आप जिस तरह से समझा रहे थे, बहुतों के मन में ये अभी भी वे एक धारणा है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ जी जी तो वो चीजें जो है आप लोगों के इस तरह की क्लासेस जो चलती हैं या वार्ताएं आती हैं उससे बड़ी सुविधा हो जाती है, लोगों को लगता है कि नहीं प्रवेश किया जा सकता है। जी जी, फिर माता जी का वाक्य आ जाता है कि ये पढ़ने की नहीं है तो मंत्र है, उच्चारण करो। तो आज मैं जुड़ पाई, मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग भी आभारी हैं आपके। बिल्कुल नहीं, आभार की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से आप भारत आए। नहीं नहीं, तो मेरा सौभाग्य
जुड़ नहीं पा रही थी, कितने दिनों से ये आपकी चल रही थी पर मैं नहीं जुड़ पा रही थी। उषा, डॉक्टर उषा बालचंदानी जी सर। हाँ सुनाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ नहीं, डॉक्टर अपर्णा राय चूंकि आपके कॉलेज की स्टूडेंट भी रही हैं तो अभी आएंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो इनका अधिक से अधिक आप लोग उपयोग करिए। मैंने थोड़ा कहा है आपसे, तो आप लोग तैयारी करिए। एक इंटीग्रल एजुकेशन की मास्टर आदमी है ये, वैसे भी नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ। नहीं नहीं वो जो है सो है, उसको हम आप कितना भी कहें तो वो झूठ थोड़े है। मैं झूठ थोड़े कह रहा हूँ कि पीएचडी है और मदर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाए हैं और बहुत जबरदस्त साधिका है। जी सर। एक्चुअली ऐसा ना, आदमी साधक तो एक एक उत्पन्न होता है, वो अभिव्यक्त होता है, सब में साधना की प्रवृत्ति नहीं होती। ये तो विशेष रूप से माँ की चुनी हुई वहाँ रही हैं पौंडिचेरी बहुत दिन तक, उस समय दिल्ली आश्रम में हैं। इनके बगैर दिल्ली आश्रम अधूरा लगता है जैसा मुझे बताया गया, बट एनी वे तो आप लोग इनका सदुपयोग करिए। बिल्कुल सर, आपसे रिक्वेस्ट है मैम का नंबर प्लीज सर सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा उसे ब्रिज बालक पास। नमस्ते नमस्ते उषा जी, ऐसा कुछ नहीं है और भैया जरूर आपको नंबर दे देंगे और हम मैं आऊंगी निकट, जल्दी आना है मुझे बनारस, कुछ नहीं तो हम मिलेंगे जरूर। बिल्कुल मैम, और हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम मैम। धन्यवाद। उषा बालचंदानी से आप मदद करके, उसके पास कोई पास है तो वो भोले नाथ का दर्शन बड़े आराम से करा देती, मेरे को तो करा दिया भाई बिना किसी प्रयास के। तो रहेंगी तो, बिल्कुल देखिए आपके बहुत सारे वहां पे चाहने वाले मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा लगा और आज का कार्यक्रम मेरे ख्याल से अब आप लोग समाप्त कर रहे हैं। जी जी उषा जी नमस्कार। जैसा कि कहते हैं कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, क्योंकि कितना भी हम कह लें सर के लिए, आप सबके लिए कितना भी दिल से आभार व्यक्त करें पर कमी होगा, शब्दों में फिर भी बांधने का प्रयत्न करते हैं पर हो नहीं सक पाता, क्योंकि इतनी अनुकंपा माँ की, श्री माँ की, श्री अरविंद की और आप सभी की। सर आज आपका उद्बोधन जो कि बहुत ही सहज सरल भाषा में दिया गया, जो बड़ी सहजता से सबके हृदय को छू लेता है, इस ज्ञान वर्धन और जीवन को प्रकाशित करने वाले उद्बोधन के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, हमें 11 तारीख से ही रिमाइंड करनाने लगते हैं, पूरा ब्रोशर बना के सब करके, हमारे अखिलेश सर, हमारी ब्रिजबाला मैडम पूरी तरह से हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, आपको जुड़ना है, करना है, सबको बार बार बताते हैं। तो उन सर का, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतना इस पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। सर एंड मैम बहुत धन्यवाद। फिर आज तो बहुत ही अद्भुत दिन है, होली के पहले इतने सुंदर सुंदर चेहरे सब हम लोगों से आज मिले, चरण सिंह सर थे, अर्पणा राव मैम है, बजरंग सर थे, विनीत सर थे, बहुत से जो लोग हैं उनका नाम हम नहीं जानते, बस इतना ही कहेंगे कि आप सब महानुभाव विद्वत जन, गुरु जन, साधक जन जो आज इस मंच पे जुड़े, उन सभी का, क्योंकि आपके जुड़ने से, आपके सहयोग से इस बगीचे की सुंदरता और बढ़ गई, इसलिए मैं बड़े आत्मीय भाव से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर किसी का नाम मिस हो गया हो तो क्षमा चाहती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर इसी तरह अगले महीने की 15 तारीख को मिलेंगे। अखिलेश सर क्या समापन कर सकते हैं? जी सर। नमस्कार ब्रिजबाला जी। हाँ प्रणाम दीदी, और उमा दी बैठी हुई हैं, वो पहले ही ज्वाइन कर लेती हैं जी, तो जी। उसका तो हम लोग हमेशा ही ध्यान रखते हैं, और दीदी सबको प्रणाम कर रहे हैं हम जी। ठीक है फिर मिलते हैं। वंदना ने बहुत अच्छी एंकरिंग की।
अरे वंदना सब, बहुत सब मीठा बोल आपका आपका आशीर्वाद है मैम। वंदना बहुत मन से और बहुत मीठा बोलती है, ये तो सबने महसूस किया होगा। ठीक है वंदना, आगे भी करते रहिए इसी तरह से, और हम सब लोग फिर मिलते हैं, कंटिन्यू करिए वंदना। ओके मैम, फिर आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे 15 तारीख को, अगले महीने की 15 तारीख को। सभी का फिर से बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू। बंद करो।